नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर आप सबसे स्वामी विवेकानंद जी की कुछ अच्छी बातें, उनके द्वारा कही गई, लिखी गई कुछ अच्छी बातें, कुछ चर्चाएं आपके बीच में यहां पर बांटना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद जी मेरे सबसे प्रिय आदर्श रहे हैं। मैंने कुल 4 या 5 लोगों को आदर्श रूप में अध्ययन किया है और उनकी लेखनी से, वाणी से प्रभावित होकर के मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन स्वयं ही महसूस भी किया और स्वयं भी किया भी है। बेसिकली तो मैं विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग का व्यक्ति हूं, किंतु ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र, योग, आयुर्वेद और भारत की जितनी भी प्राचीन विद्याएं हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, 18 पुराण, उस सारे उपनिषद, वेद और जितने भी तंत्र संबंधी, मंत्र संबंधी ग्रंथ आदि हैं, उन सब की ओर आकर्षण भी मेरा कुछ विशेष इन्हीं ऐसे ही विद्वानों की लेखनी, ओजस्वी वाणी और उनके तेज के प्रभाव से हुआ। तो चूंकि मैंने स्वामी विवेकानंद जी को बहुत अध्ययन किया है, बहुत गहराई से पढ़ा है उनके बारे में, उनके तकरीबन सारे की सारी पुस्तकों को गहन अध्ययन किया, मैं किसी भी पुस्तक को जब पढ़ता हूं, चाहे वो मेरे विषय की पुस्तक हो, जो भी मैंने पढ़ाई लिखाई की है, या जब मैं स्वाध्याय करता हूं इस प्रकार की पुस्तकों का, चाहे वह स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, रामचरितमानस हो, वेद हो, पुराण हो, या फिर उपनिषद हो, या अन्य कोई ग्रंथ हो, मैं केवल उसे अध्ययन ही नहीं करता, पढ़ता ही नहीं, उसे अपने अंदर उतारता हूं। उसके एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को अपने अंदर उतारता हूं और उस उतारने के लिए पहले उसे समझना जरूरी होता है कि कहा क्या गया है, लिखा क्या गया है। जब आप उस लिखे हुए को और कहे गए को समझ लेते हैं तो फिर आपको उसे अपने अंदर उतारना बहुत आसान हो जाता है। और जब भी कोई अच्छी बात है, सच्ची बात है अपने अंदर उतारी जाती है तो मनुष्य का जीवन उतना ही कठिन होता जाता है, कठिनतर होता जाता है, सिद्धांतों में बंधता जाता है। वह मनुष्य एक सिद्धांत के तहत, एक तरीके के तहत और कुछ विशेष नियम बनाकर, तो यम, नियम और संयम, इन तीनों धारणाओं को आधार बनाकर के अपने जीवन को अनुशासन में ढालकर फिर किस प्रकार से जीता है। तो आज चूंकि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है तो आज मैं उसे उन्हीं की भाषा में या उन्हीं के शब्दों में यहां पर वर्णन करना पसंद करूंगा। मेरे और भी जो आदर्श रहे हैं उनकी चर्चा फिर करें। स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग नामक एक व्याख्यानमाला दी है और उस पर राजयोग नाम की एक पुस्तक है। तो स्वामी विवेकानंद जी की राजयोग
नामक पुस्तक को आप अध्ययन करिए, आपके जीवन में ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी, पूरे जीवन को बदल देगी। राजयोग के प्रथम पृष्ठ पर ही स्वामी विवेकानंद जी एक चैलेंज करते हैं। यह पुस्तक योग से संबंधित है, पूरी की पूरी योग पर आधारित है। और देखा अक्सर यह जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर सूर्य नमस्कार करवा दिया जाता है, जबकि स्वामी विवेकानंद जी जो स्वयं जो विशेषज्ञ थे या जो स्वयं योग करते थे, वे राजयोग करते थे। राजयोग कुंडलिनी जागरण की एक विद्या है, इसे कुंडलिनी जागरण होती है। और ये श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय में वर्णन की है, जिसे राजगुह्य योग नाम नवमो अध्याय यानी गुप्त राजयोग, भगवान श्री कृष्ण ने इसे गुप्त राजयोग के नाम से पूरा का पूरा 9वां अध्याय अर्जुन को कहा है। उसके बाद में पतंजलि ने इस पर सूत्र लिखे हैं, फिर रावण का भी इस विषय में वो योग संबंधी विवरण मिलता है काफी। श्रीमद् देवी भागवत में देवी ने योग का बहुत विस्तृत वर्णन किया है और योग के बारे में बहुत गुप्त और गंभीर गहरी कलाएं या इसकी विशेषज्ञताएं जैसे करने की विधियों और बहुत विस्तार से बताया है। तो योग संबंधी जो मूल शास्त्र हैं, प्रमुख शास्त्र हैं, श्रीमद् भगवत गीता हो, पतंजलि योग सूत्र हो या स्वामी विवेकानंद जी का राजयोग पुस्तक हो, इसमें कुंडलिनी जागरण की विद्याएं हैं इन सभी पुस्तकों में। श्रीमद् देवी भागवत में देवी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है, किसी भी मंत्र की सिद्धि तब तक नहीं होगी जब तक कि व्यक्ति योग को सिद्ध न करेगा। जिस व्यक्ति को योग सिद्ध होगा उसी को मंत्र की सिद्धि होगी। और इसी को ही उलट कर कहा है कि जिसे मंत्र की सिद्धि होगी उसे योग की सिद्धि होगी, यानी मंत्र और योग दोनों की सिद्धियां पारस्परिक और समानुपातिक हैं। मंत्र की सिद्धि तब होगी जब योग की सिद्धि होगी और योग की सिद्धि तब होगी जब मंत्र की सिद्धि होगी। यानी मंत्र सिद्ध होता है तो योग सिद्ध होता जाएगा, योग सिद्ध होगा तो मंत्र सिद्ध हो जाए। तो सबसे जो साधारण और आसान विधि इस संबंध में योग शास्त्र में कही गई है वो ये है कि पहले योग को सिद्ध कर लीजिए, उसके बाद मंत्र की सिद्धि की ओर पढ़िए। तो स्वामी विवेकानंद जी जिस योग को करते थे वो राजयोग था और राजयोग के ऊपर उन्होंने काफी कुछ कहा है, लिखा है और पूरी जो विस्तार से उनकी पुस्तक है उसको जो एक बार भी पढ़ लेगा उसके जीवन में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा कि वह एक शक्तिमान बन जाएगा, उसका कुंडलिनी जागरण प्रारंभ हो जाएगा। उस पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर ही स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि ईश्वर न दिखे, ईश्वर से साक्षात्कार न हो या योग हो या अन्य कोई चीज हो जिसका भी आप अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, अगर उसका प्रत्यक्ष अनुभव न हो, वह प्रत्यक्ष न दिखे तो आप उसे कतई मत करिए, आप उस पर कतई समय व्यर्थ मत करिए और आप उस पर कतई धन मत व्यर्थ करिए। और उन्होंने चुनौती देते हुए कहा है कि आप इसको केवल प्रतिदिन 5 मिनट करिए और 5 मिनट के बाद में अगर आपको महीने भर में कुछ महसूस हो तो इसकी अवधि बढ़ाते जाएं और बढ़ाते जाएं
और ये 5 मिनट जो आपके होंगे प्रतिदिन 1 माह तक देने के लिए राजयोग को, तो आप स्वयं ही इसको अपना लेंगे पूरे जीवन में और स्वयं ही नित्य इसका अभ्यास करेंगे, इसे छोड़ नहीं सकेंगे। और इस विद्या को उन्होंने चुनौती देते हुए एग्जैक्ट साइंस यानी प्रत्यक्ष विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है कि यदि है तो दिखना चाहिए, यही विज्ञान है। प्रत्यक्ष होना चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए, महसूस होना चाहिए, वो होना चाहिए। इस प्रकार से चुनौती देकर के उन्होंने उस पुस्तक की या व्याख्यान माला की शुरुआत की। उसी में आगे चल करके स्वामी विवेकानंद जी, पहले मैं ये बता दूं कि योग जो रहते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एक श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार देखें तो 4 प्रकार के योग होते हैं, भक्ति योग, सांख्य योग, राजयोग और कर्म योग। ये 4 प्रकार के योग भगवान श्री कृष्ण ने, और इन्हीं योगों के भीतर में ही सारी गुप्त बातें उन्होंने बता दी, समझा दी। अब जो व्यावहारिक प्रणाली है जो आज के वक्त में चल रही है, उसमें योग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक है हठ योग, दूसरा है राजयोग और तीसरा है त्राटक योग। तो सूर्य नमस्कार ये हठ योग के अंदर आता है, और हठ योग का स्वामी विवेकानंद विरोध करते हैं। राजयोग की ही पुस्तक में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो आसन सहज हो, सुखद हो, जिसमें सुखद स्थिति में, सहज स्थिति में बड़े आसान तरीके से आप योग कर सकते हो, वही आसन सर्वश्रेष्ठ है। भले ही आप लेटे हुए करें चाहे बैठे हुए करें, जिसमें आपको सबसे ज्यादा सुख महसूस हो, सहजता महसूस हो, वही आसन सर्वश्रेष्ठ है। हठ योग इसका विपरीत है। हठ योग में एक तरह से व्यायाम या कसरत ये मुख्य चीज है, और व्यायाम कसरत से संबंधित जितने भी आसन हैं वे सब हठ योग के तहत आते हैं। उसी में सूर्य नमस्कार आता है। ये एक भिन्न विद्या है हठ योग। तो ज्यादातर योग के नाम पर भारत में या पूरे विश्व में जो जो चल रहा है या चलाया जा रहा है वो हठ योग चल रहा है, और हठ योग को ही लोग योग कह देते हैं, जबकि योग एक अलग चीज है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, तो योग का पतंजलि का पहला सूत्र ही योग है कि योग उसे कहते हैं जिसमें चित्त और वृत्तियों का निरोध, इन पे यानी मन पर काबू, इंद्रियों पर काबू, स्वयं पर काबू। जो स्वयं को जीत लेता है वही योगी है, जो स्वयं को नहीं जीत पाता वो कभी योगी नहीं बन सकता। तो हठ योग एक अलग विद्या हो गई। हठ योग में आप शारीरिक व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, आसन करते हैं, उससे शारीरिक सबलता आती है, शारीरिक सुदृढ़ता आती है, और वो शरीर से ही मात्र संबंध रखता है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। जबकि राजयोग एक अलग विद्या है। राजयोग प्राणायाम की विद्या है, और इसमें प्राण वायु को नियंत्रित करना, जब प्राण वायु नियंत्रित होती है तो सारा शरीर नियंत्रित हो जाता है, उससे आत्मा भी प्रभावित होती है, मन भी प्रभावित होता है, और चित्त और वृत्तियां सब की सब पूरी की पूरी प्रभावित होती हैं। यानी मनुष्य स्वयं पर विजय पाता है और अपनी चित्त वृत्तियों पर भी विजय पाता है, मन पर, आत्मा पर, और उसकी आत्मा इतनी प्रभावशाली हो जाती है, तेजस्वी हो जाती है, वाणी ओजस्वी हो जाती है, और उसका पूरा का पूरा रूप, रंग, आवाज,
सबका सब बदल जाता है, उसके लिए पूरी प्रकृति बदल जाती है। और जब ये राजयोग की साधना पूर्ण कर ली जाती, कुंडलिनी जागरण पूर्ण कर लिया जाता है, तो ऐसा मनुष्य प्रकृति को आज्ञा देने लगता है। जैसे आज्ञा चक्र, जो छठवां चक्र है, आज्ञा चक्र पर जब आप कुंडलिनी की शक्ति को ले जाते हैं तो आप प्रकृति को आज्ञा देने लगते हैं। आप प्रकृति को भी आज्ञा देंगे तो प्रकृति आपकी बात मानने लगती है। आप किसी भी व्यक्ति को कुछ भी आज्ञा देंगे तो आपकी आज्ञा का पालन होगा। तो प्रकृति जब आज्ञा का पालन करने लगती है, कुदरत आपकी आज्ञा का पालन करने लगती है, ईश्वर आपकी आज्ञा का पालन करने लगते हैं, बात को मानने लगते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करने लगते हैं, ये आज्ञा चक्र की सिद्धि होती है। इससे ऊपर और जब सहस्रधार कमल वहां तक पहुंचती है साधना, तो मनुष्य परमहंस हो जाता है। तो राजयोग एक अलग चीज है, एक अलग क्रिया है, जो कि हठ योग से सर्वथा भिन्न है, और सूर्य नमस्कार से उसका कोई संबंध नहीं है। सूर्य नमस्कार हठ योग की विद्या है, और स्वामी विवेकानंद जी की जो विद्या है वो राजयोग है। वो स्वयं राजयोग करते थे, प्राणायाम करते थे, उन्होंने उनकी कुंडलिनी का जागरण था। तो जिनकी कुंडलिनी जागरण होती है ये राजयोग के तहत आते हैं, हठ योग के तहत नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, भारत में स्वामी विवेकानंद जयंती को सूर्य नमस्कार योग, सूर्य नमस्कार योग, सूर्य नमस्कार का, जबकि विवेकानंद जी से कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकें भक्ति योग पर भी हैं, राजयोग पर भी हैं, सांख्य योग पर भी उन्होंने लिखा है, श्रीमद भगवद गीता के चारों योगों पर उन्होंने लिखा है और कहा है, व्याख्यान माला दी है। लेकिन राजयोग की विद्या पर जो उनकी गहरी और गंभीर पुस्तक है, उसको पढ़ना या उसको जानना, अपने अंदर उतारना, उस योग का अभ्यास करना मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाता है, सर्वश्रेष्ठ बना देता है। तीसरी जो त्राटक विद्या है, उसका तो चूंकि नजरों से, आंखों से, दृष्टि से या सम्मोहन विद्या से इत्यादि से संबंध है, उसका जिक्र करना यहाँ जरूरी नहीं, क्योंकि त्राटक का प्रयोग यहाँ भारत में या विश्व में कम किया जाता, बहुत कम लोग करते हैं, तांत्रिक करते हैं या योगी करते हैं। अब स्वामी विवेकानंद जी की कुछ विलक्षण बातें हैं, आप उन्हें सुनिए। स्वामी विवेकानंद जी की ओजस्वी वाणी सुनिए। तो स्वामी विवेकानंद जी, मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद, स्वामी विवेकानंद जी के कुछ वाक्यों को यहां पर उद्धृत कर रहा हूं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य एक वृत्त पर घूमता है, और वृत्त का एक उच्च शीर्ष स्थल होता है और एक निम्न तर स्थल होता है। यानी वृत्त जो है, आप एक ऊंचाई का, उसका एक विशेष बिंदु है, पॉइंट है। इसी तरह से उसके नीचे के स्थान पर भी एक नीचे का एक निम्नतर पॉइंट है, बिंदु है। तो प्रत्येक मनुष्य एक वृत्त पर घूमता है, एक निश्चित जो उसका वृत्त है, हर मनुष्य का वृत्त का जो व्यास है, परिधि है, त्रिज्या है, ये सब भिन्न भिन्न रहती हैं, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य उस वृत्त के शीर्ष बिंदु यानी उच्चतम बिंदु से अधिक ऊपर नहीं जा सकता, उससे अधिक ऊंचा नहीं उठ सकता, उससे अधिक ऊंचा नहीं चढ़ सकता, उससे अधिक कुछ नहीं पा सकता। उस वृत्त पर चलने के बाद, उस ऊंचाई पर चढ़ने के बाद, उस वृत्त पर चलते हुए उसे नीचे आना ही है। और वो जो निम्नतर बिंदु है, जो सबसे नीचे बिंदु है वृत्त का, वह वो नीचाई है कि कोई भी मनुष्य कितना भी गिरे, कितना भी नीचे जाए, उस एक निम्न बिंदु, एक विशेष बिंदु जो है, वो जो उस वृत्त में तय है, उससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकता, उस बिंदु से ज्यादा नीचे नहीं जा सकता। उससे आगे बढ़ेगा तो उसे ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा, वो ऊपर की ओर ही बढ़ेगा।
तो ये एक निश्चित बात है कि कोई भी मनुष्य स्वामी विवेकानंद जी के इस वाक्य के अनुसार एक अधिक ऊंचाई तक और गिरने में एक अधिक नीचाई, उससे ज्यादा न ऊंचा जा सकता है और न नीचा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने जो और अच्छी बात कही वो ये कही, किसी भी ऐसे व्यक्ति को न अपने पास बैठाओ और न उसके पास जाकर बैठो जिसकी बातों से तुम्हारे चित्त को उद्विग्नता प्राप्त होती है। यानी कोई ऐसा मनुष्य है, आपका मित्र है या कोई भी है, जिसकी बातों से आपके चित्त को उद्विग्नता हो, अशांति हो, या खिन्नता मन में पैदा हो जाए, या कुछ आप डिस्टर्ब सा महसूस करें अपने आप को, न कभी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर बैठें और न कभी ऐसे व्यक्ति को अपने पास बिठाएं। यह स्वामी विवेकानंद जी का निर्देश है। स्वामी विवेकानंद जी ने और भी कुछ अच्छी बातें कही, जैसे नहीं नहीं कहने से तो सांप का विष भी असर नहीं करता। जब आप अपने मन में यह ठान लेते हैं, तय कर लेते हैं कि मैं किसी भी स्थिति में पराजित हो ही नहीं सकता, मुझे जीतना ही है, तो आप जीतेंगे, पराजित नहीं होंगे। इसीलिए एक जगह कहा भी है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो स्वामी विवेकानंद जी ने इसको विस्तार दिया है और इस बात को कहा है कि अगर आप मन में ठान लेंगे, सोच लेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो नहीं होगा। और अगर आपने ऐसा सोच लिया, जैसे एक साइकिल चलाने वाला नया नया चालक और आगे कहीं बहुत दूर कोई ईंट पड़ी हो और या पत्थर पड़ा हो और वो दूर से ही सोचने लगे, मैं इससे टकरा सकता हूं, टकरा सकता हूं, टकरा सकता हूं, तो ये एक निश्चित गारंटी है कि वो उससे टकराएगा, गिरेगा। और जो उस पर ध्यान नहीं रहता, नहीं मैं चलाना जानता हूं, मुझे कोई ईंट पत्थर टकरा नहीं सकती, सब बगल से गुजरती चली जाए, तो वो सफलतापूर्वक अपनी यात्रा को संपन्न कर लेगा। इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने और भी अच्छी बात कही, वो ये कही, जब आप अपने पूर्वजों को, अपने से बड़ों को, अपने पितृगण को गालियां देने लगते हैं, उनका अपमान करने लगते हैं, तो बेशक आप पतन की पहली सीढ़ी पर कदम रख देते हैं, आपका पतन सुनिश्चित हो जाता है और आप उसी वक्त से पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वहीं इसी जगह पर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, लेकिन जब और जिस वक्त आप स्वयं स्वयं को ही गालियां देने लगें, अपमानित करने लगें, स्वयं के दोष खोजने लगें और स्वयं को निंदा स्वयं ही करने लगें, उसी समय से आप उत्थान की पहली सीढ़ी पर चरण रख देते हैं, तब आपका उत्थान सुनिश्चित होता है, आपकी उन्नति सुनिश्चित होती है, आपकी उन्नति और उत्थान को तब फिर कोई नहीं रोक सकता, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन इसके विपरीत जो बात कही, पूर्वजों को, पितृगणों को या अपने से बड़ों को आप अपमानित करें, गाली दें, तो आपके पतन को भी कोई नहीं रोक सकता, आपका पतन सुनिश्चित है। स्वामी विवेकानंद जी ने और भी सुंदर बात कही, राह में पड़ी हर चट्टान को सीढ़ी बना लो,
राह में पड़ी हर चट्टान को तुम सीढ़ी बना लो, चढ़ जाओ उस पर, तुम खुद को पर्वत पे पाओगे। कुछ लोग राह में कोई बाधा आ जाए या कोई पत्थर आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, चट्टान आ जाए, तो वे वहीं से या तो वापस लौट लेते हैं, डर जाते हैं कि अब इससे आगे राह नहीं है, या फिर उससे टकरा कर, माथा फोड़कर, किसी तरीके से संघर्ष करके वापस, यानी उनका मुकाम वहीं तक खत्म हो जाता है। जबकि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, राह में आने वाली हर रुकावट, हर बाधा, हर चट्टान को सीढ़ी बना लो। उसी बाधा, रुकावट और चट्टान को सीढ़ी बनाकर उस पर चढ़ जाओ और तुम पर्वत पर पहुंच जाओगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं स्वामी विवेकानंद जी का, चूंकि बहुत मैंने काफी अध्ययन किया है, तो मैं बोलना चाहूं तो संभवतः 100 DVD कम पड़ जाएंगी उनके बारे में बोलते बोलते। एक श्रेष्ठतम, एक आदर्श व्यक्ति के बारे में बोलना, स्वामी विवेकानंद जी को तो मैं भारत रत्न कहता हूं और हमेशा भारत रत्न ही कहूंगा। वे भारत रत्न थे, सच्चे भारत रत्न थे। शिकागो की विश्व धर्म सभा में जब वे शून्य पर और श्रीमद् भगवद गीता पर बोले तो उन्होंने सारे विश्व को हिला दिया, सारे धर्मों को हिला दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि जो सन्यासी भारत में भूखा मरता था उसे रोटी पैदा नहीं होती थी, वे वहां भी जाकर के भूखे मरे, कई दिन भूखे मरते रहे। और फिर जब उनको सुना गया, जब उनकी वाणी, उनके तर्क और उनकी ओजस्विता से विश्व इतना प्रभावित हुआ कि फिर उनको वहां से महीनों तक आने नहीं दिया गया। उनके कई प्रवचन हुए, कई सभाएं हुई, जहां पर फिर विवेकानंद ही विवेकानंद, विवेकानंद ही विवेकानंद, सारा का सारा विश्व गीता का दीवाना हो गया। और आज उस वक्त से सारे विश्व में श्रीमद् भगवद गीता पर अनुसंधान चल रहे हैं, शोध चल रही है, रिसर्च चल रही है। लेकिन उस वक्त गीता को अपमानित किया था और स्वामी विवेकानंद जी ने गीता का मान न केवल रखा बल्कि उसका परचम सारे विश्व में लहरा दिया, फहरा दिया। तो ऐसे आदर्श और श्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में आज बोलते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और चूंकि अब समय काफी हो गया है, अतः जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद आपसे आज विदा लेता हूं।